नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुध हमन, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने पैलेसिस पेशेंट को चलने की प्रैक्टिस करवानी है क्योंकि पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके पैर ठीक हो चुके होते हैं बहुत लंबे टाइम से सही तरीके से ना चलने की वजह से उनकी हैबिट बन चुकी होती है एक डर बन चुका होता है वो पैर सही तरीके से उठा नहीं पाते रख नहीं पाते और वो अपनी चाल को ठीक नहीं कर पाते तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ मगर इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है पिछले छः सात साल से पैलेसिस की मैं वीडियोस बना रहा हूँ मेरे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या वीडियो बना के दे दूँ मगर टीम कहती है कि सर आपको वीडियो बनानी ही बनानी है तो आज आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जो आपको लगता है कि आपकी दिखते हैं जो मुझे लगता है कि मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं उन वीडियोस को बनाने का आप अनुरोध कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे उस टॉपिक पे अगर मुझे टॉपिक लगता है कि वो एक मेजोरिटी ऑफ पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प कर सकता है तो मैं उस टॉपिक को बनाने की पूरी की पूरी, की पूरी कोशिश करूँगा तो प्लीज़ इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा अब चलते हैं कि हमने कैसे पैर को रखना सीखना है किस तरह से चलना है कि पैरालिसिस पेशेंट अगर ठीक हो चुका है तो हमें दिखे तो पहले पेशेंट की बहुत सारी चालें होती हैं कुछ चालें ऐसे होती है है ना उनको डर लगता है आगे की तरफ झुके हुए होते हैं तो उनको डर लग रहा होता है कि वो गिरना न तो इस तरह से चल रहे होते हैं तो पहले आपने पेशेंट को बोला है कि वो स्ट्रेट खड़ा हो सामने देख के नीचे देख के नहीं चलना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम नीचे देख के कर सकते हैं बट हमने नहीं करना होता तो अब आप देख पा रहे होंगे हमें एक बड़ा सा शीशा मेरे सामने आ गया तो जब हम सीधा खड़ा होते हैं तो हमने शीशे में देखना होता है कि हमारे पैर किधर जा रहे हैं तो आपने क्या करना है अपने पेशेंट को बोलना है कि एक लाइन में चलना है तो आपके फर्श पे लाइन डली होती है जहाँ पे पत्थर या टाइलें आपस में जुड़ रही होती हैं आप चाहें तो उस पर एक मार्कर से या टेप से आप उसको मार्किंग कर दिए और पेशेंट को बोलिए कि इसी लाइन के ऊपर पैर रखना है मगर पेशेंट का बैलेंस बनने में दिक्कत है तो हम किसी का सहारा लेंगे छड़ी का या किसी चीज़ का अगर साथ में दीवार है तो दीवार का सहारा लेके भी चल सकते हैं और एक पैक को दूसरे पैक के आगे रखना है मगर ध्यान क्या रखना है पहले हमेशा ज़मीन पे एड़ी लगेगी फिर पंजा जाएगा चाहे दोनों पैरों का दूसरा पैर खराब नहीं है बट फिर भी और अब पेशेंट क्या करता है पैर को ऐसे घुमा के रखता है जब पेशेंट पैर घुमा के रख रहा है तो भी बोल रहे हैं कि पहले कोशिश करें कि एड़ी पहले लगे फिर पंजा जमीन पर लगे इसी तरह से दूसरे पैर का रखेंगे ठीक है अब पेशेंट की चाल और टाइप की होती है जैसे मैंने पहले बताया कि पैर घुमा के रखते हैं या फिर वो छोटे छोटे कदम इस तरह से ले रहे होते हैं दोनों के अंदर हम इस तरह से चलेंगे जब हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं इस चाल के अंदर लाइन वॉक करने पे हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि अब आपने अपने पैर को अभी हम लाइन में रख रहे थे ना अब हम साइडवेज थोड़ा सा बना के रखेंगे पैर खुलेगा कितना उतना ही खुलेगा बट अब वो साइड में खुलेगा तो उससे फायदा क्या होता है कि ये हमारी वॉक नॉर्मल हो जाती है नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है दूसरा एक पेशेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो लेग्स को ना थोड़ा नी को लॉक नहीं करते वो एक पैर को इस तरह से रखेंगे और फिर चलेंगे तूने घुटने को मोड़ के चलते हैं वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि पेशेंट कभी भी ढंग से चल नहीं पाता तो जब हम चलें तो हमने ध्यान के रखना कि घुटने स्ट्रेट जब हम पैर आगे बढ़ाते हैं ठीक है वो बेंड होता है पीछे वाला घुटना लॉक रहता है जब हम आगे बढ़ते हैं ये लॉक होता है और ये मुड़ता है तो आपने देखना कि घुटने की लॉकिंग एंड ओपनिंग ये दोनों हो अगर हम इसको इस तरह से चल, आगे पैर बढ़ाया मैंने पीछे वाला लॉक नहीं करूंगा तो क्या होगा दोनों घुटने मेरे मुड़े हुए हैं है ना तो मेरी चाल कैसी बन जाएगी सीधा होगा। आपको खोलना है, है, लॉक करना अगला मोड़ना है रखना है लॉक करना है आगे बढ़ना है तो ये हेल्प हमें ध्यान रखना है कि हर कदम पे ऐसा हो रहा हो जिन पेशेंट को दिक्कत होती है वो नी बैंड का यूज कर सकते हैं जो नी कैप्स आती है नी कैप के हेल्प से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है लॉकिंग करने में हेल्प मिल जाती है उनका हेल्प कर कर भी हम अपनी चाल को ठीक कर सकते हैं जब पेशेंट अपना पैर घुमा के रख रहा हो उसको वर्बली पीछे से कमांड करनी है जो साथ में वो बोले पैर को मत घुमाओ पैर को उठा के रखो क्योंकि ये पैर को उठा के रखने में बस इतनी सी मूवमेंट लगती है और इतनी पेशेंट पे, पेशेंट के पास होती है बट वो उसको यूज नहीं कर रहा होता तो पैर को घुमा के रख रहा होता है हमने पेशेंट को बोलना है कि आप पैर को घुमाओगे नहीं घुटना हल्का सा मोड़ोगे आगे की तरफ लेके जाओगे ठीक है तो इससे क्या होता है चार्ज सुधर जाती है तो मैक्सिम पेशेंट के अंदर हमें काम नहीं करना पड़ता पेशेंट पहली विजिट में आता है और कहते हैं देखो आपका पैर तो ठीक हो चुका है आप बस आपने को प्रैक्टिस ही तो करवानी है तो ये चीज़ मैं आपको आज दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करो कि इसको इस तरह से चलो क्योंकि पैर जल्दी ठीक होता है कंपेयर टेव हाथ के और इसके लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस की अब जिन पेशेंट में दिखते और टाइप की नहीं कर पा रहे तो जब हम साइंस जिनकी मेडिसिन करते हैं तो मेडिसिन कभी भी पैर की हाथ की नहीं होती हमेशा मेडिसिन दी जाती है आपके ब्रेन की कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है जो नस फटी है या क्लॉट आया है जिस वजह से ब्रेन के किसी को नुकसान पहुंच गया है उसकी रिक, रिकवरी हो सके वो इसका रिकवर शायद ना करे बट उसका जो फंक्शन है ना वो रिकवर होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी से अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है ब्रेन कैसे काम करता है ब्रेन में नुकसान कैसे होता है नजानी कितनी वीडियो पिछले सात साल के अंदर मैं इस वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूँ एक एक करके सारी देखो समझना शुरू कर दोगे कि पैरलेसिस पेशेंट को किस तरह से बेटर किया जाता है कि इतना लाइक हो जाए कि वो अपने काम करने लाइक हो जाए हाथ में इतनी मूवमेंट आ जाए कि वो अपना स्कूटर बाइक गाड़ी चलाना शुरू कर दे थोड़ी बहुत दिक्कत एंड में रह जाती है पूरा ही कभी भी मैक्सिमम केसेस में नहीं होता बट पेशेंट अगर अपने लाइक हो रहा है अपने काम कर पा रहा है वो मॉर देन सफिशेंट होता है पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी के अंदर जिन पेशेंट में रिकवरी रुक गई है उनको भी हॉप छोड़ने की जरूरत नहीं है चार पाँच साल दस साल भी हो चुके हैं पंद्रह साल भी हो चुके हैं तो उनको भी हॉप छोड़ने की जरूरत नहीं होती जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं आपको पहले महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे अगर पहले महीने में रिजल्ट ना मिले ना दूसरे महीने कोई जरूरत नहीं मेडिसिन लेने की मैं खुद कहता हूँ अगर आपको पहले महीने में रिजल्ट ना मिले दूसरे महीने मत लेना सिर्फ एक महीने का रिस्क होता है ना आपके लिए इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी पहले से इंप्रूव हो रही है चेंजेस आ रहे हैं दिख रहे हैं आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो अगर आपको लगता है कि चेंजेस नहीं आ रहे स्टॉप द तो ट्रीटमेंट कोई दिक्कत नहीं कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं आपको पता लग जाएगा कि कितनी पहले महीने ही पता लगेगा कि मेडिसिन मेरे पे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रही है या नहीं इसी के साथ आज मैं चलना चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार